कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI NV रमना ने कहा कि शीर्ष अदालत उचित समय पर ही हस्तक्षेप करेगी। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाई कोर्ट में सुनवाई रही है। शीर्ष अदालत ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट के 10 फरवरी के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जब तक मामला अदालत में लंबित है, तब तक के लिए हाई कोर्ट ने अपने आदेश में छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को हिजाब विवाद मामले में फाइनल फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट का कहना है कि वह कॉलेजों को फिर से खोलने का आदेश देंगे। कोर्ट ने आदेश दिया है कि हिजाब विवाद मामले की सुनवाई पूरी होने तक के लिए स्कूल और कॉलेजों में किसी भी धार्मिक चीजों को पहनने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट का कहना है कि शांति बहाल होनी चाहिए। फिलहाल मामले की सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हिजाब विवाद मामले में अंतरिम आदेश देना चाहते हैं। हम हर दिन मामले की सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अंतिम आदेश तक छात्रों के लिए किसी भी धार्मिक प्रतीक की अनुमति नहीं है। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद अब स्कूल कॉलेजों में हिजाब और भगवा शाल दोनों का उपयोग बंद करना होगा। बता दें कि हिजाब विवाद की शुरुआत पिछले महीने उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में आने से हुई थी, जिन्हें क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई। कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि जो छात्रा पहले बिना हिजाब के आती थी, वे अचानक से हिजाब में आने लगी हैं। बाद में छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। धीरे धीरे यह मुद्दा एक विवाद बन गया और कर्नाटक के अन्य जिलों के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसकी वजह से तनाव बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।